सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इलेक्शन बड़ा जोरों शोरों पे है और हमारी भी पूरी भागदौड़ है। मज़ा आ रहा है भाई इलेक्शन में। मज़ा इसलिए कभी उधर कभी उधर कभी इधर, कभी कांग्रेस के कार्यक्रम देखा, कभी भाजपा का देखा, कभी जजपा का देखा, इनेलो का देखा, तो सभी नेताओं के प्रोग्राम देखने लग रहे हैं। पूरा मज़ा आ रहा है, सबकी चिकनी चुपड़ी बात सुना भाई, इसमें ही मजा आया है। और बात में अंदाजा भी लगाऊं कौन किस आदमी है भाई। फिलहाल आज का जो विषय है वो अभय सिंह चौटाला जी हैं। हालांकि मैं उनका कोई खास समर्थक नहीं हूं, पर एक अच्छी बात जो मैंने अब उनके चुनाव में दिखी, जो वो एलनाबाद के चुनाव में भी और किसान आंदोलन में भी, मतलब एक माहौल था कि अभय सिंह चौटाला जी जो सिर्फ इकलौते ऐसे इंडिया में इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, और सिर्फ दिया ही नहीं, रिस्क भी लिया कि दोबारा 6 महीने बाद इलेक्शन होगा तो उसमें जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जबकि भाजपा की पूरी हवा थी और कांग्रेस भी अपने दम पे पूरी थी। तो वो रिस्क भी लिया और उस रिस्क पर लेकर किसानों ने उनको समर्थन देकर जीता भी दिया। तो अब जो उनका इलेक्शन में देखने लग रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो चला भाई घटी, जो मैं अब उनका इलेक्शन देखने लग रहा हूँ वो पहले से, जैसे दुष्यंत जी कई बार कह रहे हैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस, नहीं, लेकिन अब की बार उनके साथ एक टीम भी है और उनका खुद का नेचर भी है बदलाव में है, और अब की बार वो इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से लड़ने लग रहे हैं। मतलब मैं कई बार क्या करता, सुने ना जी सैम बहन जी से मेरी बात हो जाती, बहन जी आप कुछ और थोड़ा सा बदलाव करो इलेक्शन में। हालांकि मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, और उनके साथ तो पूरी की पूरी टीम भी है भाई। तो अब जब मैं उनका चुनाव देखूँ तो उनका चुनाव सच में बहुत ज़्यादा उभर का रहा है। कैसे उभर का रहा है? एक तो रामपाल माजरा जी उनके साथ टीम में है। मैंने अब जब भी कभी इनेलो के इंटरव्यू किए हैं तो रामपाल माजरा जी का जिक्र हमने हमेशा से किया, भी आपने इनको ले लेना चाहिए अपने साथ। तो वो अब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब जो उनका इलेक्शन चल रहा है ना, मैंने उनके हालांकि वीडियो नहीं बनाई मैंने उनके इलेक्शन में कहीं किसी की कोई ऐसी, पर जो मैंने अब देखा उनका इलेक्शन, सच में इलेक्शन उठ रहा है उनका कुरुक्षेत्र में। और उठ रहा हुआ कैसे लगा मैंने, जब लगभग महीना पहले मैंने जब उनका देखा सिस्टम वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, तो वो सुशील गुप्ता लगभग बराबर शराबर थे। अब जब मैंने उनका इलेक्शन देखा तो गांव-गांव में 250-300-400 तक लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनकी बात सुनने खातर। अब यह बात अड़की नहीं है, आप एक बात नोट करना, भाजपा है या कांग्रेस है, कुरुक्षेत्र की बताऊँगा मैं, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं कितने लोग उनके कार्यक्रम में जुट रहे हैं, ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं। गांव की बताऊं भाई मैं, तो गांव में अभय सिंह चौटाला जी के कार्यक्रम जितने भी मैंने देखे हैं अभी तक, जितने भी देखे हैं 250-300-400 लोग जुड़ रहे हैं। अब अक्सर राजनेता क्या करें, अपने साथ 50-100 गाड़ियाँ रखेंगे और जहाँ पे खाली कुर्सियाँ घोड़े जाके अपने गाड़ियों में उतरेंगे, घोड़े बैठ जाएंगे और भीड़ दिखाऊंगे, नहीं। अभय सिंह जी जब जावे हैं गाड़ियों के काफिले के साथ, इतनी भी नहीं, मतलब 10-15-20 गाड़ियाँ होंगी उनके साथ, तो जब भी जाओ तो वहाँ पे कुर्सियाँ भरी हो, मैं ये चीज़ तो ऑब्जर्व करूँ हूँ, उनकी कुर्सियाँ वहाँ पे पहले से ही भरी हुई हुए हैं, लोकल लोग हुए हैं, कोई यूं नहीं भी धक्के से बिठा रखा हो, कोई नाच गाने वाले ने, मतलब महिलाओं को जैसे कई बार डांसर ने बुला लें, भीड़ी इकट्ठी कर ले। इनेलो की यह खास बात है वो ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल मर्दाली राजनीति करा भाई इनेलो। और अब जो उनकी राजनीति है, अब उनका जो बोलने का स्टाइल है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है। अब मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि वो जीतेंगे, लेकिन ये जरूर दिखा है कि, क्योंकि मैंने सुशील गुप्ता जी के भी कार्यक्रम देखे हैं, 20-30 आदमी वो हैं अपने 100-150 ने बिठा दिए हैं, इस टाइप से उनका ताम झाम सा चला है। सेम ईयर मैंने नवीन जिंदल जी का भी लगा ही ऐसा है, लेकिन सुशील गुप्ता की अगर हम बात करें, उनका इलेक्शन बिल्कुल डाउन है। आज उनका इलेक्शन बिल्कुल डैमेज अवस्था में है, उभर नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस वोटर्स थे इस इलेक्शन से पहले 5-6 महीने पहले, वो जब अब दोबारा मिले हैं तो वो यूं को हैं कि यार सुशील गुप्ता तो वोट कौन गिरी जावे।
एक तो यूँ मारा अड़ेगा को नहीं, और दूसरा इसके लिए विचार ही नहीं बन रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बात को हैं, तो फिर मखा भाई किसके लिए विचार बनाए? मैं भाई चाहे तो अभय कान जावांगे और चाहे फिर अभय कान जावांगे, फिर मैंने नवीन जिंदल दिखा तो नवीन जिंदल की तरफ ही नहीं जा रहे। बड़ी बात यह है कांग्रेस के वोटर्स सुशील गुप्ता का नाम सुनन पे नो कम है कि भाई हम तो अभय सिंह दोहरे जावांगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं, भाई जगदीप तेरी यूट्यूब पे वीडियो बहुत देखा, हाँ लेकिन यार या टिकट गलत बट गई सुशील गुप्ता की, अरे हम तो कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे, इब मारी तो वोट गुप्ता पे कौन जावे, मारी वोट जिंदल पे कौन ही जावे, फिर भाई किस पे जावे, भाई हम तो इब बार अभय सिंह पे गिरांगे। तो कितना सिनेरियो चेंज हो रहा है, हालांकि मीडिया यूट्यूबर क्या कहते होंगे मेरे को नहीं पता इस बात का, कौन जीता है कौन हारा है मैं इस बात पर भी दावा नहीं करता, लेकिन आज अभय सिंह चौटाला का इलेक्शन बड़ा शानदार तरीके से उठ रहा है। अब वो वोट में कितना तब्दील होगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन जो खबरें दिख रही हैं वो यही कि अभय सिंह चौटाला आज सीधा कंपटीशन नवीन जिंदल को दे रहे हैं। एक दिन मैंने पोस्ट डाली थी, अच्छा उसके बाद फिर वो किसान आंदोलन जो गुरुनाम सिंह चलूनी है उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अभय सिंह जी के साथ जुड़ने लग रही हैं, और बड़ा मैसेज यो अभय सिंह के पास जा सकता है। जैसे ही रिजल्ट आओगा तो अभय सिंह जी हैं, सुनैना चौटाला जी हैं, और अब की बार शायद अभय सिंह जी, मैं फिर से ये कहूँ जीतने का दावा नहीं कर रहा मैं, लेकिन अब की बार वोट बैंक उनका बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जसपा का भी कार्यक्रम देखूं, उनका इलेक्शन नहीं उठ पा रहा है। जसपा के जो वोटर्स थे वो यूं ही को हैं भाई हम कांग्रेस पर नहीं जावा, हम इनेलो पे चले जावांगे, जसपा के जो वोटर्स थे उनका ये कहना है। और बहुत सारे जो जट सिख और जट हैं, जो जाट और जट सिख जो हैं, ये वोट बैंक अभय सिंह चौटाला के पास जाने लग रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो मैंने देखे हैं, पर मैंने उन्हें नहीं बेरा नहीं कौन किसके कास्ट से हैं, पर सच में अभय सिंह का इलेक्शन उठ रहा है और बड़ा अच्छा इलेक्शन वो लड़न भी लग रहे हैं। मेरी एक दो बार ही मुलाकात हुई, एक बार तो मैंने सिंगल वाइट कर दी जब नामांकन के लिए जा रहे थे, एक बार और नोच गाँव में, शायद मैंने याद नहीं, शायद नोच गाँव में थे, नोच गाँव में वे मिले थे। तो उनके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये बदलाव 4 तारीख ने के दिखेगा बेरा नहीं, लेकिन सच बताऊं आज नहीं तो विधानसभा में वो अपना इलेक्शन है बड़े स्तर पर उठाऊंगे, और बड़ा मजा होगा भाई। फिलहाल तो देखते हैं, यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।